Good afternoon, everyone. Myself, Ritu Singh. I am your CTP teacher. Welcome to Fill the Form. तो सब जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए कि आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं. क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस आप लोगों को सही आ रही है? अगर मेरी वॉइस सही आ रही है तो प्लीज थंब का शाइन करिए, और जो जो लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप सब लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं. तो बाकी सब लोग कहाँ हैं, जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. तो फिर हम पहले फिलर फॉर्म की बात कर लेते हैं. सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए. यहाँ पे जो आप मेरा फर्स्ट पेज देख रहे हैं, यहाँ पे आपको फिलर फॉर्म पे गवर्नमेंट जॉब से जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी. ठीक है, आप जाके फिलर फॉर्म पे सब कुछ पता कर सकते हैं. इसकी वेबसाइट पर जो भी नए जॉब्स के अपडेट हैं, जो भी फॉर्म वगैरह निकलते हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा. नेक्स्ट, हमारा जो टीजीटी टीजीटी का बैच है वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, और जो आपको कोर्सेज यहाँ पे सारे मिल रहे हैं, फुल कोर्स की तैयारी कराई जा रही है. तो आप लोग प्लीज ज्वाइन होकर अपनी सब्जेक्ट की और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो सब लोग आ रहे हैं, जो लोग आ गए हैं वो प्लीज अपना अटेंडेंस इस पे दे दें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मुझसे ज्वाइन हो चुके हैं. आप अपना थंब बनाकर साइन का निशान देकर बता सकते हैं कि आप क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं. तब तक मैं आप लोग को यहाँ के इंफॉर्मेशन दे देती हूँ. जो फुल कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं हमारे, 8 PM जो है वो करेंट जीके है, और 9 AM SST के कोर्सेज मिल रहे हैं आपको, और 10 AM जो है वो मैथ है. 12 PM पे आप जीके ले सकते हैं, और 1 PM पे जर्नल इंग्लिश, और 1 PM पे साइंस. 3 PM जो CDP क्लासेस मैं ले रही हूँ ये आपको सब में एज यूजुअल मिलेगा. ये 3 PM से स्टार्ट हो चुका है, आज इसकी 4th क्लास है, और 4 PM पे हमारी जो है वो रीजनिंग चल रही है, 5 PM पे होम साइंस, और 6 PM पे जो है एनवायरमेंटल साइंस है, और 7 PM पे आपको कंप्यूटर है, और 10 PM पे हिंदी है. यहाँ पे जो क्लासेस आपकी ऑनलाइन स्टार्ट हो रही हैं वो 8 AM से रात में आपको 10 PM तक दी जा रही है, और बाकी सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए. तो आप लोग ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करिए और अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करिए. नेक्स्ट, जो हमारा सीटेट का बैच है वो भी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है. जो बच्चे 15 अगस्त से इसको ज्वाइन किए वो तो ठीक है, बट जो नए नए आए हैं वो भी जान लेंगे कि ये जो हमारे ऑनलाइन सब्जेक्ट के कोर्सेज चल रहे हैं वो इस तरह से हैं. ठीक है, बाकी सब आते जाइए. गुड आफ्टरनून सोनाली मैम. बाकी लोग भी जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि हम अपनी क्लासेस शुरू कर सकें. ये जो हमारी सीटेट की बैच चल रही है वो 9 AM से आपकी स्टार्ट हो रही है SST की, और 10 AM से है मैथ्स की, और 1 PM आपकी जनरल इंग्लिश है, और 1 PM आपको संस्कृत की है, और 3 PM जो है वो CDP क्लास है, और 4 PM है वो रीजनिंग है, 6 PM है इन्वायरमेंटल, और 7 PM है कंप्यूटर, और 10 PM है हिंदी की क्लासेस. ये सीटेट की जो बैचेस हैं वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप फिलअप फॉर्म पे भी जा सकते हैं और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सोनाली जी ने अपना दे दिया कि वो आ गई हैं. बाकी सब भी अपना अपना शाइन दे दें कि वो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं. तो फिर हम आगे बढ़े.
धीरे धीरे सब जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाइए ताकि हम आगे की क्लासेस भी स्टार्ट कर सकें। अभी मैं 2-3 मिनट वेट करती हूँ, बाकी सब भी आ जाए तो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूँ। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं मुझसे वो लोग बताते जाएं ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मुझसे कनेक्ट हुआ है। हाँ मुझे पता चले कि कौन कौन। चलिए फिर हम बात करते हैं कल की। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि शिक्षा को सुधारने के लिए जो हमें बेसिक चीजें जरूरी हैं वो क्या होती हैं, और शिक्षा को जब मनोविज्ञान में लाया गया तो इसका क्या उपयोग हुआ, ठीक है? और मनोविज्ञान से जब एक बच्चे को समझेंगे तो हमारा जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है वो एक अच्छे तरीके से चलेगा। तो हमने पूरे बाल विकास को कल पढ़ा था कि बाल विकास कैसे होता है, बाल विकास का क्या रोल है शिक्षा में, ठीक है? और इस बाल विकास को समझने के लिए हमने कल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है। आज हम इस ग्रोथ और डेवलपमेंट को और अच्छी तरह से जानने के लिए हम इनके डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ेंगे, ताकि इनके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं ये कैसे होते हैं डेवलप। तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट रहेगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं इस पिक्चर में, मैंने आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है, जो हमारा डेवलपमेंट कब से होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वहां से ही उसका विकास जो होता है वो शुरू हो जाता है, ठीक है? फिर बच्चा बाहर आता है, फिर बाहर में वो कैसे विकास करता है, क्या होता है, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? आज जो हम स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, मेनली वो 5 स्टेजेस होते हैं, कई लोगों ने इन्हें 7 में डिवाइड किया है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक जो होती है वो 5 होती है हमारी अवस्थाएं, ठीक है? तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज आता है वो प्री नेटल होता है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है वो तब से ही विकास करने लगता है। इसको मैंने कल भी बताया था कि जो बच्चे का ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो माँ के गर्भ से होता है, उसको बोलते हैं प्री नेटल, ठीक है? ये जो जब भी आपका विकास के जो स्टार्टिंग वो पूछता है कि कहाँ से होता है विकास, तो हमेशा हम प्री नेटल टू बर्थ करते हैं, मतलब वो जो शैशवावस्था होता है वो बच्चे का 0 टू ये गर्भावस्था से लेके 2 वर्ष तक मानते हैं, ठीक है? जो स्टेजेस होते हैं इनको मेन एस्पेक्ट पे हम क्या देखते हैं, इसको 3 एस्पेक्ट पे हम देखते हैं कि कैसे ये डेवलप होता है। पहला हमारा है फिजिकल, दूसरा है कॉग्निटिव और तीसरा है सोशल डेवलपमेंट। जब बच्चा बाहर आता है तो वो इन तीनों चीजों पर, इसका मेन फोकस जो होता है स्टडी का वो इन तीनों चीजों पे फोकस करके हम चलते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे पहले प्रीनेटल एज का करेंगे, इन्फेंसी का करेंगे, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, ओके? तो जब बच्चा जब प्री नेटल एज में होता है तो जब से वो कंसीव माँ करती है और जब तक उसका जन्म नहीं होता वो पूरा 9 महीने का पीरियड होता है, यानी दिनों में अगर उसे हम काउंट करें तो 280 दिन का होता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? उसको हम प्री नेटल कहते हैं। और जो प्री नेटल होता है ये ग्रोथ बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है सबसे ज्यादा स्पीड अगर होती है तो इसी में होती है, जो बच्चे की ग्रोथ जो होती है और डेवलपमेंट जो इसमें होता है वो इसी समय होता है। तो अगर कभी भी बहुत सबसे ज्यादा स्पीड की बात करें बच्चे के की सबसे ज्यादा स्पीड किस अवस्था में होती है तो वो होती है प्री नेटल स्टेज, ओके? अब हम चलते हैं अपने इन्फेंसी पे। आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो इन्फेंसी रहेगा। तो आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे पहले तो पढ़ेंगे वो इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड, यानी शैशवावस्था या प्रारंभिक बचपन जिसको कहते हैं, या पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है? फिर इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शैशवावस्था के लक्षण, जो इनमें मेन जो विशेषताएं होती है, जो इस समय जो परिलक्षित होते हैं, इससे अक्सर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
फिर हम पढ़ते हैं कि जो मैंने बताया कि हमारा जो डेवलपमेंट स्टेजेस पर डेवलपमेंट होता है वो तीन स्टेजेस तीन चीजों को फोकस करके चलता है। पहला हमारा फिजिकल होता है, दूसरा कॉग्निटिव होता है और तीसरा हमारा सोशल होता है। तो इन तीनों एस्पेक्ट को ही लेके जो डेवलपमेंट को देखा जाता है। इसमें अभी जो मैं आपको बता रही हूँ जर्नल आपको बता रही हूँ कि स्टेजेस में क्या क्या होते हैं। और जब इसको हम पढ़ेंगे, इसको कोहलर में भी पढ़ेंगे, जीन प्याजे को भी पढ़ेंगे और हम एरिक्सन को भी पढ़ेंगे। इन्होंने भी डेवलपमेंट के अलग अलग दिए। जो मेन बेसिस होते हैं वो आपके प्याजे के आते हैं, स्टेजेस उन्होंने पूरा डिफाइन किया। ये तो जनरल अवेयरनेस के लिए ही आपको मैं पूरा बता रही हूँ। इसको जानने के बाद से जब आप इन लोग को पढ़ेंगे तो वो चीज आपको और क्लियर होगी। ठीक है, फिर तीसरा हमारा आता है शैशवावस्था के दौरान शारीरिक विकास। शैशवावस्था, गुड मॉर्निंग श्वेता जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आप सभी को गुड आफ्टरनून। अभी वॉइस सही आ रही है क्या मेरी? लोकेश्वर जी, क्या अभी मेरी आवाज सही आ रही है आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो फिर हमारा आता है मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। जो हमारा मानसिक विकास है वो कैसा रहता है शैशवावस्था में? फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, जो शैशवावस्था में जो बच्चे का भाषा विकास क्या होता है उसको बोल लेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। जो शैशवावस्था में जो हमारा सामाजिक विकास है वो कैसा होता है, और शैशवावस्था में जो हम बच्चे को शिक्षा देते हैं वो कैसे देते हैं, किस स्वरूप में हमें देना चाहिए, इसका आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी मेरी वॉइस सही आ रही है? अभी भी स्लो है? अभी भी मेरी वॉइस स्लो है आपको? अगर कोई नेटवर्क इशू ना हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आप लोग के मैसेजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, प्लीज मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं दिखा रहा है। ठीक है, पहले हम इन्फेंसी पीरियड को पढ़ते हैं। जो इन्फेंसी पीरियड होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो 0 to 2 ईयर होता है उसको इन्फेंसी बोलते हैं, और जो 3 to 5 ईयर होता है उसको हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, यानी आपका क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। अभी आवाज मेरी सही आ रही है आप लोगों को? अभी भी सो है क्या आवाज मेरी? चलिए फिर हम पहले इन्फेंसी ईयर स्टेज की बात करते हैं। जो इन्फेंसी स्टेज होता है वो 0 to 2 ईयर होता है। ठीक है, इसमें जो होता है फिजिकल डेवलपमेंट हो जो हमारा होता है, अभी वॉइस सही है मेरी? जो इन्फेंसी पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको खिलौनों की आयु भी बोलते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो
अपने मम्मी पापा जो भी माता पिता होते हैं उन लोगों के ही एज में होता है, उन लोग के साथ ज्यादा उसका कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जो संबंध जो होता है इसमें ज्यादा उन लोग उसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो अपने मम्मी पापा से ज्यादा ज्यादा वो अटैच्ड होते हैं 0 to 2 ईयर में। फिर जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं 3 to 5 ईयर में वो बाहरी लोगों से मिलने घुलने लगते हैं और काफी कुछ उन्हें जो होता है फिजिकल सोशल हर चीज जो होता है वो डेवलप होती जाती है आगे। और जो 0 to 2 ईयर होता है इसमें जो बच्चे का ग्रोथ होता है जो डेवलपमेंट होता है सबसे ज्यादा होता है, जो उसका ब्रेन हर चीज जो होता है वो बहुत तेजी से वृद्धि करता है। इसीलिए एडनर ने अपनी जो परिभाषा में कहा कि बच्चे के जो कुछ महीने बाद ही होते हैं वो उसी में डिसाइड हो जाता है, जैसे उन्होंने कहा बच्चे के जीवन के कुछ महीने बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि उसके जीवन की स्थिति क्या है। मतलब वो इतना डेवलप हो चुका रहता है उसकी हर चीजें उसके ऑर्गेन्स उसका माइंड हर चीज इतनी तेजी से काम करता है कि वो उसमें ही परिलक्षित होने लगता है, दिखने लगता है कि उसका विकास कैसा होगा। उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग ने कहा कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यानी स्टार्टिंग में ही जो उसका ग्रोथ डेवलपमेंट होता है वो बहुत तीव्र होता है। जब से वो माँ के गर्भ में पड़ता है वो उसमें सबसे ज्यादा होता है, फिर इन्फेंसी में जब वो जन्म लेता है तो उसे थोड़ा कम होता है, लेकिन ये बाकी स्टेजेस से सबसे ज्यादा इस स्टेज में होता है। ठीक है। और इसके जो उन्होंने कहा कि यद्यपि किसी भी आयु स्तर पर उसमें परिवर्तन हो सकता है किंतु प्रारंभिक प्रवृत्ति एवं प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। ये डेवलपमेंट तो बढ़ता ही जाता है, डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो हम उसको सिखाते हैं जो उसको हम बताते हैं वो सब जो हमारा होता है वो जल्दी ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसका जो दिमाग होता है जो उसकी मानसिक शक्तियां होती है उस समय बहुत तीव्र गति में चलती है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर हो रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ आप लोगों के लिए। चलिए, फिर जो मैंने बताया कि इस एज को खिलौनों की आयु भी कहते हैं, इसमें बच्चा क्या होता है कि जो स्टार्टिंग एज होती है वो पहले अपने माता पिता के साथ रहता है, कुछ सीखता है करता है, उसके बाद जैसे वो कुछ चीज ऑब्जेक्ट्स पकड़ने लगता है तो वो खिलौनों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होता है, उसको कलरफुल चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, वो उनके साथ खेलना बहुत पसंद करता है। तो इसमें उनके डिफरेंट स्टेज ऑफ प्ले दिया कि वो किस मंथ में कैसा बिहेव करते हैं। तो 0 to 3 month में जो है व्हेन अ बेबी इज मेकिंग मूवमेंट विद देयर आर्म्स, वो अपने हाथों को हिलाता है वो करता है, फिर वो समझता है कि अपने हाथों पे पैरों पे कैसे कंट्रोल करना है, उसको समझ में आता है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसको हमको कैसे मूव कराना है। ठीक है, फिर 0 to 2 ईयर में जब बच्चा होता है तो वो क्या करता है, उसे दूसरे चीजें इंटरेक्ट नहीं करती हैं, वो अपने खिलौनों में अपने माता पिता से ही ज्यादा इंटरेक्ट होता है, तो वो अकेले खेलना ज्यादा पसंद करता है। फिर जब वो 2 साल का जब कंप्लीट हो जाता है तो व्हेन अ चाइल्ड वॉच एंड ऑब्जर्व अदर चिल्ड्रन प्लेइंग बट विल नॉट प्ले विद देम, क्या होता है उसका जो इंटरेक्शन होता है वो केवल अपने तक होता है, वो आत्म केंद्रित होता है, सेल्फ होता है, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसका जो भी होता है वो अपने में ही खोया रहता है, एक इमेजिनेशन दुनिया में रहता है उसका, उसका जो भी खेल हर चीज जो होता है वो अपने तक ही सीमित रखता है, वो दूसरों में उतना इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर जब वो 2 साल से जब बड़ा होता है तो क्या होता है वो दूसरे बच्चों को तो देखता है खेलते हुए, सब कुछ ऑब्जर्व करता है, बट वो उनके साथ उतना घुलता मिलता नहीं है। लेकिन जब फिर ये 2 साल के बाद वाला जो एज होता है जो 3 to 4 ईयर होता है, जब वो अपने सोशल इंटरेक्शन उसके बढ़ते हैं तो वो क्या करता है, वो दूसरे बच्चों के साथ मिलना जुलना खेलना ग्रुप करना ये सब उनको उसको पसंद आने लगता है। फिर वो क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स चीजों से खेलना शुरू करता है, मतलब उसका जो क्राइटेरिया है सोशल डेवलपमेंट का वो बढ़ जाता है। फिर हमारा आता है जब बच्चा 4 साल का होता है तो वो क्या करता है, व्हेन अ चाइल्ड प्ले विद अदर एंड हैज इंटरेस्टेड बोथ द एक्टिविटीज एंड अदर चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन प्लेइंग, जैसे मैंने बताया कि 3 से 4 साल में वो बाहर से बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, खेलने लगते हैं, कुछ प्लेग्राउंड में जाने लगते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, और बच्चों में ये भी देखा जाता है जो वो खेलने जाते हैं वो नहीं खेलते हैं, वो दूसरा ही कुछ खेलते करते हैं। जब वो 4+ में जाते हैं तो फिर उनको समझ में आता है कि बाकी बच्चे क्या खेल रहे हैं, वो एक ग्रुप में खेलना शुरू करते हैं, तो एक जो समूह वाला वर्ग भी होता है वो धीरे धीरे इसमें
बढ़ने लगता है, लेकिन ये पूरी जाके बाल्यावस्था में होती है, इसको हम आगे के स्टेजेस में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके फिजिकल डेवलपमेंट, जो मेन एस्पेक्ट जो हमारा है कि पहले हमें देखना है कि इन एजेस में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो फिर हम आगे की बात करते हैं। अभी मेरी वॉइस आप लोगों को सही आ रही है? अगर मेरी वॉइस सही आ रही है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो पीरियड में पढ़ा रही हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफी कुछ आते हैं। मेन जो होता है बाल्यावस्था से आते हैं, शैशवावस्था और किशोरावस्था, ये तीन अवस्थाओं को ही हमको मेन फोकस करना है, जो सी टेट में, रीट में आपको सब पूछता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा केयरफुली इसको सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, जो ना समझ में आया आप उसको बताइए, मैं उसको फिर से क्लैरिफाई करूंगी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो पढ़ते हैं हम क्या, कि जो विशेषताएं होती हैं इसमें बच्चे के, जो शारीरिक विशेषताएं में हमने पढ़ा, उसमें आकार और भार में परिवर्तन, जो बच्चे का आकार और भार में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे आपने देखा, आप जैसे इस चित्र में देख रहे हैं कि जो बच्चा 1 to 2 ईयर का है तो वो कैसे कर रहा है, 3 to 4 मंथ्स का है तो वो कैसे कर रहा है, 5 to 6 मंथ का है तो वो कैसे कर रहा है। ठीक है, पहले बच्चा लेटता है, फिर बैठता है, उठता है, तो जैसे जैसे उसके एजेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसका जो शरीर है, जो उसका आकार है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मेन से जो शारीरिक परिवर्तन होता है, प्रथम जो होता है स्टार्टिंग जो हमारा होता है, वो शुरू के जो पहला वर्ष होता है, जो 0 to 1 वर्ष होता है, उसमें जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। आपने देखा भी होगा कि जब बच्चा पैदा लेता है तो उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेज होती है, वो बहुत जल्दी बड़ा होने लगता है। जो 2 साल तक का होता है उसका जो शरीर का आकार में परिवर्तन होता है वो बहुत तेज होता है। फिर हम पढ़ते हैं मांसपेशियों और हड्डियों में परिवर्तन, जो बच्चा रहता है वो आप देख रहे हैं इस चित्र में शुरू से एक जैसा नहीं रहता है, फिर जैसे जैसे इसका विकास होता जाता है, इसके आकार में परिवर्तन के साथ साथ इसकी जो मांसपेशियां हैं वो भी बड़ी मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। जो स्टार्टिंग में बच्चा जब पैदा होता है जो उसकी हड्डियां होती हैं वो बहुत कोमल सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और मिनरल्स जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको बाहरी पोषण आहार हर कुछ मिलता है, दूध कैल्शियम ये सब जब मिलने लगता है उसको खाने, क्योंकि गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वो माँ जो खाती पीती है उसे ही वही मिलता है, लेकिन बाहर उसको दूध और बाकी सब कुछ भी मिलने लगता है, तो जो उसकी बोन्स जो होती हैं वो और मजबूत होने लगती हैं। स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है तो 270 हड्डियां होती हैं, फिर धीरे धीरे ये संख्या कम हो जाती है। और इस एज में क्या होता है कि बच्चों का जो मानसिक थिंकिंग होती है, जो किसी चीज को सोचने करने हर चीज की जो थिंकिंग होती है वो बहुत तेज होती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा बॉर्नविटा के एड एक आता था पहले, की जो बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो 2 to 5 ईयर में कंप्लीट हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो जो उसकी मानसिक विकास, जो उसको बनना होता है, जो करना होता है, वो पूरा डेवलप हो चुका रहता है, बस वो अपने एनवायरमेंट में कैसे आता है और कैसे उसे सीखता है वो धीरे धीरे उससे विकसित होता है और कुछ नया परिवर्तन उसमें होता है। फिर आते हैं जो मस्तिष्क पे, जो बच्चे का मस्तिष्क होता है जब वो गर्भ में होता है तो उसका मस्तिष्क का आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर वो धीरे 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 अपने शरीर को सेंट्रलाइज करता है और फिर आकार सही होता है। ठीक है, और उसका जो मस्तिष्क का भार होता है उसके शरीर का 1/4 होता है। ठीक है, यानी उसके शरीर का पूरा, मतलब कह सकते हैं जब पैदा होता है तो 250 ग्राम के लगभग ऐसा कुछ उसके ब्रेन का होता है। जो उसकी डाइजेशन सिस्टम होती है वो भी जैसे जैसे वो आहार उसके अंदर जाने लगता है सब कुछ वो डाइजेस्ट करने लगता है, मतलब अपने वातावरण में वो पूरी तरह से घुलने मिलने लगता है, तो उसका जो पाचन तंत्र होता है वो सही होने लगता है। चलिए, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े। मेरी वॉइस आवाज सब सही है ना आप लोगों के लिए?
सही है। तो फिर ये तो हमने देख लिया कि इन्फेंसी में उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद उसकी कुछ जो होती है मेन, कह सकते हैं कि ये जैसे उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इस एज में क्या विशेषता होती है। तो मैंने एक बोला शारीरिक परिवर्तन, जो उसका शारीरिक परिवर्तन होता है वो बहुत तेजी से होता है इस एज में। फिर जो उसका मानसिक परिवर्तन होता है, जो उसका मेंटल ग्रोथ सोचने का, मतलब वो चीज जो होता है वो बहुत तेज होता है। इनकी सीखने की प्रक्रिया, जो लर्निंग पावर होती है, इसमें बहुत तेज होती है। वो मतलब जब स्टार्टिंग में बच्चे अनुकरण द्वारा बहुत तेजी से सीखते हैं, जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है वो दूसरों को देख के उसके अंदर सीखने की शक्ति जो होती है बहुत तेज होती है। तो वो कोई भी चीज देख के बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है और वो सीख लेता है। मतलब इसमें जो उनके कह सकते हैं अनुकरण करने की शक्ति जो होती है वो बहुत तेज होती है। फिर होता है कि काल्पनिक जगत में विचरण। इस एज में बच्चे क्या होते हैं, इमेजिनेशन में ज्यादा खोए रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन बाहर के लोगों से कम और अंदर के जो जीवन से होता है, जो अपना घर परिवार से रहता है उनसे ज्यादा होता है। 0 to 2 ईयर में तो नहीं कह सकते हैं, बट 3 to 4 5 ईयर में जो जाते हैं, जब बच्चे कार्टून देखते हैं, कुछ कहानी कहते हैं, तो वो स्टोरी टेलिंग अपने से करने लगते हैं, कार्टून की दुनिया को सच मानने लगते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बच्चा देखता है, जो सोचता है, वो उसी इमेजिनेशन अपने खुद के बनाने लगता है, उसकी तरफ से वो करने लगता है। फिर जो उसकी मूल प्रवृत्ति, जो व्यवहार होता है, वो स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो वो भूख लगने पे रोता है, करता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, उसको समझ में आने लगता है कि मैं दूध मांगने के लिए क्या करूं, और जब उसको सोना है तो क्या करना है, ठीक है। तो ये सब भी डेवलप होने लगता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो कभी भी सोता है, कभी भी उठता है, उसका वो नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे वो उसका विकास शुरू होता है, उसको समझ में आने लगता है कि क्या टाइम पे सोना है, कब भूख लगता है, कब प्यास लगती है, कब नींद लगती है, मतलब हर चीज का एक टाइम टेबल बनने लगता है। फिर आत्म प्रेम की भावना आती है। जो बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इस एज में क्या होता है, बच्चों को बस अपने से ज्यादा, अपने से ही लगाव ज्यादा बनता है। वो अपने मम्मी पापा किसी से भी, मतलब चाहते हैं कि वो हर लोग मुझे ही प्रेम करें, मेरे तरफ ही इंटरेक्ट हो, ठीक है। मतलब वो मम्मी पापा सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगते हैं कि वो मेरे को ज्यादा प्यार करें, ज्यादा बातें करें, हर चीज मेरे से ज्यादा करें। और जो अब मम्मी पापा दूसरे छोटे बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है, जब वो 2 3 साल के होते हैं, तो अगर पेरेंट्स किसी दूसरे बच्चों को प्यार ज्यादा करते हैं या उन्हें लेते हैं, के अंदर ईर्ष्या होती है, जलन होती है। मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब जो कुछ है सिर्फ मेरा है, मेरे लिए है, ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे एक विशेषता हमें ये पता चली कि वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। गुड आफ्टरनून अमित जी। गुड आफ्टरनून प्रिया, मेरी बातें आप सबको क्लियर हो रही हैं? चलिए फिर हम इसकी आगे की विशेषता की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो दूसरों पे ज्यादा निर्भर होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब बहुत छोटे होते हैं, तो वो अपना काम खुद पे खुद नहीं कर सकते। जो भी होता है स्टार्टिंग में, 0 to 2 month होता है, हर काम उसके माँ करती है, उसको उसकी समझ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको खाने पीने हर चीज के लिए वो दूसरों पे आश्रित होता है, वो इतना डेवलप नहीं होता कि अपना हर काम कर सके। फिर उसमें नैतिकता का अभाव, जो इस एज में मेन होता है, उनके अंदर नैतिकता का अभाव कम होता है, क्योंकि बच्चों को अभी सोशल, अपने सोशल जो भी है एरिया है उससे अभी वो इंटरेक्ट नहीं होता है। अभी उसके लिए वो जो करता है वही सही होता है, तो इसमें उसे नहीं पता होता कि हम जो काम कर रहे हैं सही है या गलत है। जब वो 3 to 4 year 5 year में जाता है, तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा नैतिकता आती है, जैसे उसको बताया जाता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो वो फिर बाद में धीरे धीरे उसको समझते हैं, ठीक है। फिर उनके आती है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। जो उनके अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, जो ये शैशवावस्था में सबसे ज्यादा होती है, और इस समय जो बच्चे जो सीखते हैं, जो देखते हैं, वो उनके माइंड में तुरंत क्लिक करती है। कोई भी चीज वो देखते हैं कार्टून में, एड में, तो वो तुरंत स्टोरी टेलिंग करने लगते हैं, बताने लगते हैं, क्योंकि वो चीज उनको देखकर ज्यादा सीखने को मिलती है। इस समय जो भी वो देखते हैं उस चीजों को वो जल्दी सीख लेते हैं,
सामाजिक भावना का भी विकास होता है। ये पूर्व बाल्यावस्था में होता है। प्रारंभ में जो बच्चा छोटा है तब तो वो अकेले खेलता है, लेकिन जब वो 3 ईयर से आगे जाता है तो जो उसका सोशल एरिया होता है वो बढ़ता है, तो उसके अंदर जो सामाजिक भावना, मित्र बनाना, प्रेम करना, ये सब भावनाएं डेवलप होने लगती हैं। ठीक है। और जो इसमें एक होता है काम प्रवृत्ति न्यूनता होती है, क्योंकि अभी बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती है। और जब 3 to 5 ईयर में बच्चे जब पूर्व बाल्यावस्था में जाते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो नई नई चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, उनके बारे में उनको बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो वो चीज ज्यादा रिसर्चर टाइप के होते हैं, क्यूरी करने लगते हैं, हर चीजों को खोजने लगते हैं, हर चीजों के पीछे रीजन निकालने लगते हैं कि क्या बात है ऐसा होता है। मम्मी पापा बहुत बार परेशान भी हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न बच्चे पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम क्यों नहीं थे। तो जो इसमें क्या कह सकते हैं कि उनके अंदर किसी चीज को जानने की जिज्ञासा बहुत तेज होती है। अभी जो मैंने आपको सब बताया, ये सब मैंने बताया आपको इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड की विशेषताएं। अभी हम आगे की बात करते हैं। मेरी वॉइस अभी आप लोग को सही आ रही है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, अगर मेरी वॉइस सही आ रही है तो हम आगे बात करें। मेरी वॉइस आप लोग को आ रही है? ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट की, यानी मानसिक विकास, कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है। जो जन्म का प्रथम वर्ष होता है, इसमें जो बच्चा होता है क्या होता है, वो पहले अपना वो सामाजिक दायरा छोड़कर वो अपने पहले शरीर की ओर केंद्रित होता है। वो सीखता है कि हम अपने हाथ पैर के मूवमेंट को वो सीखना, हिलाना, किसी चीज को पकड़ना, वो धीरे धीरे सीखता है। तो जन्म के समय क्या करता है बच्चा, जो 3 मंथ का होता है तो वो धीरे धीरे अपने हाथ पैर को हिलाता है, 4-5 मंथ का होता है तो वो धीरे धीरे किसी चीज का खींचना घसीटना शुरू करता है। ठीक है। फिर उसको थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको सर्दी, गर्म, तेज हवा, भूख आदि, ये सब की जो क्या होती है, संवेदना पता चलती है, मतलब उसकी जो सेंसेशन होती है वो भी डेवलप होने लगती है। फिर वो बच्चा जो 1 मंथ का जब होता है तो वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, जो सहज क्रियाएं होती हैं, छींकना, ये सब उसमें डेवलप होता है। किसी वस्तु के ऊपर वो क्या करता है, 4th-5th में ध्यान देकर, स्टार्टिंग में बच्चे के जो नेत्र होते हैं वो नहीं होते, वो किसी चीज पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, लेकिन जब बच्चा 4th महीने में पहुंचता है तो क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ देर देख सकता है, ध्यान दे सकता है। ठीक है। जैसे 4th महीने में बच्चों को खिलौने हम दिखाते हैं, वो उस चीज की तरफ इंटरेक्ट होता है, उनके कलर्स भी बहुत ज्यादा नहीं वो पहचानते हैं, बट वो क्या होता है, डार्क कलर जो होते हैं वो उनको पहचानने लगता है, उनको देखने लगता है। ठीक है। और फिर वो किसी खिलौने को देखकर मुस्कुराने लगता है। ठीक है। जब बच्चा 9वें महीने में जाता है तो क्या करता है, वो ताली बजाने लगता है, जैसे जैसे हम उसको सिखाते हैं कुछ करते हैं तो क्या करता है, वो अनुकरण करने लगता है उस चीज का। किसी चीज के खुशी होने पर जब हम बोलते हैं कि बच्चों ताली बजाओ तो वो ताली बजाने लगता है, तो पता चलता है कि जो उसकी मानसिक क्रियाएं हैं वो डेवलप हो रही है, यानी वो आपको देखकर सीख रहा है। ठीक है। 1 वर्ष का होते होते वो छोटे छोटे जो होते हैं शब्द बोलने लगता है, माँ बा, मतलब जो स्टार्टिंग होती है पहले तो वो स्वर से स्टार्ट करता है, लेकिन जब वो 1 वर्ष का होता है तो उसको समझ में आता है कि ये मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, ऐसे शब्दों से हम उसको सिखाते हैं, तो वो जो अनुकरण द्वारा इन सब चीजों को सीखने लगता है। ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आप लोग को क्लियर हो रही है? गुड आफ्टरनून अवनी जी। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे के हम टॉपिक पे चलते हैं। ये जो लोग इंग्लिश में जानना चाहते हैं वो मैंने उनके लिए भी ये, या अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है। चलिए चलिए फिर इसमें क्या होता है कि
दूसरे माह वर्ष में जो बच्चा होता है वो दो तीन शब्द बोलने लगता है, जैसे माँ पिता ये सबका तो उनको ज्ञान हो ही जाता है कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ठीक है। उसके बाद वो उन शब्दों को बोलना भी शुरू करता है, उनकी आज्ञा का पालन करने लगता है, मतलब जो जो वो बोलते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो वो उन चीज को करने लगते हैं। फिर जो तीसरे वर्ष में आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपना नाम पूछने, हम लोग तो सिखा देते हैं कि हाँ आपका बेटा ये नाम है ऐसे है करके, तो वो उस चीज को सीख जाते हैं, ठीक है। फिर गिनती को दोहराना, चित्र देखकर पहचानना, जो हम अक्सर करते हैं अपने जो छोटे बच्चे होते हैं जब से वो पैदा होते हैं, आपके पेरेंट्स तो ज्यादा एडवांस हो गए हैं, मतलब 1 साल का बच्चा हुआ नहीं कि वो सब कुछ सिखाने लगते हैं कि बताओ ये क्या है, ठीक है। तो ये इस समय बच्चे सीखते भी बहुत तेजी से हैं, क्योंकि उनको अनुकरण करने की, किसी चीज को सीखने की जो शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है, ठीक है। फिर जब वो चौथे वर्ष में जाता है तो वो छोटे छोटे वाक्य दोहराने लगता है, जो जो हम बोलते हैं, और जो उनके मतलब काफी कुछ वो बोलने लगता है, किसी आकार रंग ये सबको डिफरेंट करने लगता है, वो कलर्स को पहचानने लगता है, शेप्स को, सर्कल है ट्राइंगल है ये सब क्या, ये शेप को जानने लगता है, काउंटिंग करने लगता है, अल्फाबेट जो होते हैं जो अक्षर होते हैं इन सबका ज्ञान उन्हें पूरी तरह से हो जाता है, मतलब कह सकते हैं चौथे वर्ष और 5 वर्ष में जो उनका मेंटल ग्रोथ होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरह से हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। फिर इसमें जो इनकी मानसिक शक्तियां होती हैं, जो मेन रूप से जो बहुत तेज डेवलप करती है वो क्या होती है, जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी। मैंने जैसे पहले भी बताया कि बच्चों में इसमें किसी चीज को जानने की जो इच्छा बहुत तेज होती है, वो नई नई चीजों से मिलते हैं, नई जगह से घूमते हैं, अपने समाज में जब जाते हैं, वातावरण में देखते हैं, तो वो बहुत कुछ चीजें देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि ऐसा क्यों होता है, पानी यहाँ नल से क्यों गिरता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे पूछते हैं, पानी कहाँ से आता है, दूध कहाँ से आता है, ये सब जो बच्चों की क्यूरियो होती है, क्यूरियोसिटी जो होती है, सब चीजों की जानने की बहुत तेज होती है, वो जितनी चीजों को देखते हैं जानते हैं और समझते हैं वो उसको और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो रही है तो फिर मैं आगे चलूं। फिर उसमें क्या होती है कि सामान्य भावना या सामान्य प्रवृत्तियों का विकास होने लगता है, ठीक है। जो उनकी जो भी इन रिक्वायरमेंट होती है, जो अपने भूख वो सब कुछ वो जानने लगते हैं, और जो दूसरों लोगों से इंटरेक्ट होते हैं तो उनसे मित्र अपने दोस्त सब कुछ बनाने लगते हैं, तो थोड़ा जो उनका एरिया होता है वो बढ़ जाता है, वो अपने समाज में जाके मिलने घुलने लगते हैं, तो उनमें समूह में रहना, दोस्तों के साथ खेलना, हर चीज बहुत पसंद आता है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, मानसिक शक्तियों का विकास होना, ठीक है। मेंटल प्रोसेस इन टू बी डेवलपिंग, जो उनकी मानसिक शक्तियां हैं, सोचने समझने, तर्क वितर्क करने, इन सब चीजों की भी उनकी शक्तियां जो होती है, किसी चीज को थिंकिंग करने, ऐसा क्यों होता है, चिंतन करने, समस्या करने, अगर कोई गलत व्यवहार किया तो उस पर डांट पड़ना, हर चीज को वो एनालाइज करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, मतलब वो अपने एस्पेक्ट से सोचने लगते हैं, तो उनके जो कह सकते हैं जो उनका मेंटल क्रियाएं हैं, जो मानसिक क्रियाएं हैं वो जागरूक हो जाती हैं, वो उस चीज को समझने लगते हैं, तर्क वितर्क चिंतन हर चीज का करने के लिए, और उनकी मानसिक शक्तियों में जैसे कहते हैं उनकी संवेदना, किसी चीज को ध्यान देना, प्रत्यक्षण करना, ये सब भी उनके में विकास होने लगता है, संवेगों का विकास होने लगता है, ठीक है। जो भी उनके संवेग हैं, ठीक है, उनके अंदर किसी जो प्रेम घृणा और ये सब जो हमारे संवेग होते हैं मेन, वो सब के लिए वो हर चीज को उसका डेवलप होने लगता है, मतलब उनको दुख होने लगता है, किसी चीज को देखकर वो दुखी भी हो जाते हैं काफी, उनके मन की जो चीजें होती हैं उनको देखकर वो खुश हो जाते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या भी होती है, किसी चीज को जो उन्हें पसंद नहीं होता वो उसे नेगेटिव होने लगते हैं, उनको पसंद नहीं आता वो चीज अलग होने लगते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उनके में एक चीज और होती है, क्रिएटिविटी। उनके अंदर जो होती है रचनात्मक क्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं, वो तो हर चीजों में लॉजिक निकालते हैं, वो कैसे कोई चीज अगर आती है उसको तोड़ के मतलब
लड़की खेलना करना, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है उनकी बहुत तेजी से होती है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक बार आप बता दीजिए, और मेरी वॉइस अगर सही आ रही हो तो। चलिए, मेरी वॉइस आप लोग को सही आ रही है? ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं भाषा का विकास। जो बच्चे जब छोटे होते हैं 0 to 1 ईयर में जाते हैं, तब वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। कह सकते हैं जब 6 मंथ के होते हैं तो वो कुछ स्वर निकालते हैं, जैसे माँ बा पा ऐसे करके शब्द निकालते हैं। लेकिन जब एक वर्ष के जब बच्चे होते हैं तो वो थोड़े बड़े शब्द बोलने लगते हैं, जैसे माँ दादा बाबा। ये शब्द आप लोग भी सुनते होंगे, देखते होंगे। जो बच्चे 1 साल से 1.5 साल तक के होते हैं वो काफी कुछ ये शब्द को बोलने लगते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, 2 से 3 साल में जब जाते हैं तो कुछ शब्द बोलने लगते हैं, मतलब जो आपको समझ में आने लगे 3 साल तक। और जब बच्चे 4 वर्ष के होते हैं तो वो पूरी तरह से आपके मतलब व्याकरण जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है वो कम होने लगता है, और वो सही उच्चारण करके बोलने लगते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर हो रही है तो फिर मैं आगे बढ़ू। चलिए, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि इनका लैंग्वेज डेवलप कैसे होता है। जो बबलिंग करना, मतलब कुछ भी शब्द स्वर वाले आ ई उ ऐसे जो साउंड होते हैं, 3 to 5 मंथ होते हैं, वॉवल लाइक साउंड। जैसे स्वर मैंने बोला ना, स्वर वाले वाक्य वो निकालने थे, 3 to 5 मंथ होता है। फिर 6 to 5 10 मंथ जो होता है वो रिपीटेड पैटर्न होता है। जो वो बोलते हैं तो सुनते हैं वो उसको बोलने लगते हैं, मतलब थोड़े बड़े वर्ड हो जाते हैं। फिर आपके जो 12 से 18 महीने के जो होते हैं, उसमें वो एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस बोल लेते हैं, ऐसे सिंगल आर वन सिमेटिक मीनिंग्स निकालने लगते हैं। मतलब आप उन वर्ड्स को जोड़ के उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। फिर है टेलीग्राफी स्टेज, 20 to 30 months, 24 to 30 months होता है। इसमें वो सेंटेंस को स्ट्रक मतलब जो हमारे शब्द होते हैं उनको वो बोलने लगते हैं, उनको अपने लैंग्वेज में आपको अपनी भाषा के द्वारा समझा सकते हैं। मतलब उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो अच्छा हो जाता है। मल्टी स्टेज मतलब 30 से जब प्लस में जाते हैं बच्चे में, तो वो व्याकरण की अशुद्धियां जो उनके उच्चारण जो गलत बोलते हैं, वो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं। तो ये स्टेजेस हैं जो लैंग्वेज के जिस हिसाब से वो बोलते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वो पूछ देते हैं कि इस मंथ में बच्चे का जो भाषा विकास है वो कितना है, वो कितने वर्ड तक बोल सकता है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? यहाँ तक क्लियर हो रही है तो फिर मैं आगे बढ़ू। चलिए, मेरी बात आप लोगों को पूरी समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आगे बताने जा रही हूँ कि जब बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं तो उनको एजुकेशन किस तरह से देना चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें हमें उसका ध्यान रखना चाहिए उनके एजुकेशन को देने में। तो सबसे पहले जो हमारा होता है उपयुक्त वातावरण, सुटेबल एनवायरमेंट। ठीक है, सबसे अगर हमारा एनवायरमेंट अच्छा हुआ, सब कुछ सही रहा, तो क्या होता है जो उसका डेवलपमेंट होता है, जो एजुकेशन देना है वो बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि ये सबको पता है, मैंने पहले ही बता चुका है कि जो इसमें आपका डेवलपमेंट होता है, जो भी हमारी मानसिक शक्तियां शारीरिक शक्तियां होती हैं वो इस एज में सबसे ज्यादा होती हैं। जो बच्चे को जो भी कुछ सीखना होता है वो इस एज में ही उनका बिल्डअप हो जाता है। इनका बेसिक जो होता है, नींव जो होता है वो इसी एज में होता है। हम जितनी अच्छी उनको व्यवस्था देंगे, जितना अच्छा उनका उनका देखभाल करेंगे, जितनी अच्छी सुविधाएं हर चीजों से जितना अच्छा वो चीज करेंगे वो उतनी अच्छी ही डेवलप होगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या जरूरत है, हमें उसे सुटेबल एनवायरनमेंट देना है, यानी कि उन्हें शांत और स्वस्थ वातावरण देना है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप केवल घर में ही ऐसा
वातावरण दीजिए। उसके लिए विद्यालय में भी वैसा वातावरण होना चाहिए, शांत और स्वस्थ वातावरण, क्योंकि बच्चों को इस समय शांत और स्वस्थ वातावरण ही पसंद होता है, क्योंकि वो अपने परिवार से जब निकलते हैं तो उनका दायरा थोड़ा बड़ा होता है, और जब बच्चा परिवार में अपने होता है तो उसका जो एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है। उन्हें उन्हें शांत रहना, अकेले रहना ज्यादा पसंद होता है, तो वो थोड़े से शांति की तरफ ज्यादा वो अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए इनका जो वातावरण होना चाहिए वो हमारा थोड़ा शांत और स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा आता है उचित व्यवहार, मतलब जो बच्चा है उसके साथ हमें प्रॉपर बिहेव करना चाहिए, कि बहुत ज्यादा उन्हें डांटना नहीं चाहिए, बहुत बोलना, मतलब हर चीज को उसको पोलाइटली ही हमें समझाना चाहिए, हर चीज को लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो मन होता है, लोग कहते हैं बहुत कोमल होता है, हर चीजों पे वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करने लगते हैं। अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो उनके जो मानसिक स्तर है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, वो पहले से ही हर चीजों से डर जाएंगे, हर चीज पे होंगे इतना ज्यादा नियंत्रण रखेंगे तो फिर वो अपने आप को खुलकर नहीं बता पाएगा। इसलिए उसके साथ सबसे जरूरी हमारा व्यवहार उनके साथ बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं उनके मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, जो भी उनका दुख है, भूख है, प्यास है, उनको दमन नहीं करना चाहिए, जो भी उनकी मूल प्रवृत्तियां अगर है, जो उनको गुस्सा आता है, हर चीज आता है, उस चीजों को हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, किसी चीज को खुल के बोल के बताने के लिए उसको करना चाहिए। अगर हम उसको इस चीज को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उसको दबा देंगे, तो जो उसका विकास है वो अवरुद्ध होने लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे जरूरी है हमें कि उसकी मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? तो फिर मैं आगे बढ़ू। चल फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, चल फिर क्या होता है, जिज्ञासा का समाधान। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे इस समय क्या होते हैं, इनके इनके अंदर क्यूरियोसिटी, किसी चीज को जानने की बहुत इच्छा होती है, तो उन्हें हमें डांट कर चुप नहीं करा देना चाहिए, और उनकी चीजों का ये नहीं, मुझे बाद में बताऊंगा, मतलब उसका जो होता है प्रॉपर सोल्यूशन देना चाहिए, ताकि जो भी उनकी प्रॉब्लम हो, जो उनकी समझ हो, जब हम उसी समय उस चीज को सॉल्व कर देंगे तो वो आगे चल के उस चीज को और अच्छे से समझेंगे, और अपनी बातों को आपसे खुलकर कहना, बताना, हर चीज सीखेंगे। ठीक है, जब वो खुल के बताएंगे तो आप अपने बच्चे को समझ सकेंगे, जो उनकी नई नॉलेज अपने एनवायरनमेंट के साथ डेवलप हो रही है उसको समझ सकेंगे, जो उनकी क्यूरियोसिटी है उनको शांत कर सकेंगे, और जो भी उनकी इच्छा है जानने की, समझने की, वो उसको सही डायरेक्शन दे सकेंगे। अगर हम कुछ और बता दिए, वो कुछ और ही समझ लिए, तो जो उनका समझ है, जो उनका समझ डेवलप हो रहा है वो गलत हो जाएगा। तो सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है कि हम उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करें, उसका उचित समाधान करें, कि कोई चीज क्यों है, क्यों नहीं है, क्या हुआ, ये सब चीजें हमें उनको अच्छे से बताना चाहिए। फिर हमारा आता है अंतर्निहित गुणों का विकास करना, जो भी उनकी आंतरिक शक्तियां हैं, जो भी वो डेवलप कर रहे हैं, उस चीजों को हमें उनको प्रोत्साहित करना है, कि आपके जो भी गुण हैं, जो भी बच्चे आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ये चीज है, गाना का, बोलने का, हर चीज की अलग अलग, हर बच्चे में अलग अलग होती है, तो उसको समझते हुए हमें उसको और प्रोत्साहित करके उसका विकास करना चाहिए। तो शिक्षा में सबसे पहले तो हमारा ये भी महत्वपूर्ण होता है कि हमें बच्चे के उसके गुण को कैसे और निखारना है और डेवलप करना है, क्योंकि जो 5 ईयर, 4 to 5 ईयर होता है वो अपने स्कूल में जाके घुलने मिलने लगता है, बहुत नई नई चीजों को सीखता है, नई चीजों को जानने लगता है, तो ये सब सीखने जानने के लिए हमें जरूरी है कि उसके जो अंतर्निहित गुण है, जो भी उसकी क्वालिटी है, उसको हम जान सके। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़े। आत्मनिर्भरता का विकास हेतु, ठीक है, जब बच्चे 4 to 5 ईयर स्कूल में जाते हैं तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, मतलब वो क्या होते हैं कि अपने माता पिता से हटके वो अपने ऊपर कंसंट्रेट करने लगते हैं, कि जो भी काम करना है हमें अपने से करना है, अपने से वो हर चीज करना चाहते हैं, तो हमें इस चीज के लिए उन्हें और प्रोत्साहित करना है, कि वो जब सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तो किसी चीज को खुद सोचेंगे, खुद थिंक करेंगे, खुद उस चीज को करेंगे, तो वो चीज ज्यादा वो अच्छे से कर पाएंगे।
तो इस चीज के लिए हमें उन्हें और प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप किसी चीज को खुद करके सीखो, क्योंकि इंसान जब खुद करके सीखता है तो वो चीज लाइफ टाइम तक के लिए उसे याद रहती है। और जो बच्चे इस एज में जो कुछ भी सीखते हैं वो उनको लाइफ टाइम तक याद रहता है, क्योंकि वो करके सीखते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? चलिए फिर मैं आपको और कुछ बताती, जो इस समय जो शिक्षा का माध्यम होता है ये तो होता है, कुछ और टॉपिक्स होते हैं। आत्म प्रदर्शन की भावना, बच्चों में क्या होता है, अपने आप को दिखाना, कुछ नया करके वो आप लोगों का जो बच्चे को होता है वो ध्यान इंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो होती है कि अपने आप को दिखाना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ये जो होती है क्रिया उनके अंदर बहुत ज्यादा डेवलप होती है आत्म प्रदर्शन की। तो इसके लिए हमें उनको शिक्षा के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें नई नई चीजों करने का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, फिर उनका जो कल्पना जगत है उससे हटाकर हमको उनको वास्तविकता की दुनिया में लाना कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। जो वो अपने इमेजिनरी लाइफ में गुम होते हैं, जो कार्टून है, कहानी है, वो बहुत सारी फेरी स्टोरीज है, अपने मम्मी पापा दादा दादी किसी से भी सुने रहते हैं, वो उस चीज पे एक कॉन्सेप्ट अपना बना लेते हैं। तो उनको बताना है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो ये जो है चीजें उनको क्लियर कर देना चाहिए। और जो इस समय जो उनकी शिक्षा होनी चाहिए उन्हें खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। जैसे हम उनको काउंटिंग सिखाना है तो हम बॉल्स गोलियां ये सब देते हैं, तो वो चीजें देखकर वो ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं ये बच्चों, क्योंकि ये खिलौने ये चीजों को देख के ज्यादा इंटरेक्ट रहते हैं। तो वो उन सब चीजों के माध्यम से अगर हम उनको पढ़ाते हैं, किसी चीज को सिखाते हैं, तो वो जल्दी सीख लेते हैं। जैसे हमने कोई बॉल्स वाली ले लिए, काउंटिंग सिखाना है तो बच्चे उसके माध्यम से उसको काउंट करना, उसको हटाना, काफी कुछ उससे सीखने लगते हैं। ठीक है, और जो हमारे शेप्स होते हैं, अलग अलग शेप्स के खिलौने लाकर देना, वो क्या होते हैं, उसे वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पहचानने लगते हैं। वो आजकल तो बहुत सारे कलर में भी आते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हमको कलर पहचानना रहता है बच्चों के लिए लाना, तो हम ऐसे खिलौनों का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे वो रेड ग्रीन मतलब ये सब का भी जो होता है हम खेल के मेथड से बच्चों को खेल खेल में ये सब कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आप लोग को क्लियर हो रही है? चलिए फिर दूसरा हमारा क्या होता है कि इस एज में जब बच्चा जाता है तो क्या होता है, उसका जो इन्वायरमेंट होता है इमेजिनरी बाहरी की दुनिया में अभी खुलता मिलता है। तो जो अभी की जो शिक्षा होनी चाहिए हमें उनको मॉरल स्टोरीज होती हैं उसके द्वारा हम उसको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कहानी के द्वारा, पोयम ये सब कहते हैं, चित्र होते हैं, नए नए पिक्चर्स हैं, उनको दिखा के हम क्या करते हैं उनकी क्यूरियोसिटी भी शांत करते हैं और उनको नए नॉलेज से जोड़ते भी हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो खेल का तो माध्यम है ही है साथ में, और हमें इन सब मेथड्स को भी फॉलो करते हुए इनका जो एजुकेशन है 5 ईयर तक का, जो 3 to 5 में जब बच्चे जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड में जाते हैं, तो हमें जो उनका एजुकेशन होता है वो इन माध्यमों से देते हुए कराना चाहिए ताकि जो उनकी जो शिक्षा है वो और बेहतर हो सके। तो ये सब चीजों का अगर हम ध्यान देते हैं इस एज में तो बच्चे जो ग्रोथ होता है, जो उनका डेवलपमेंट होता है, वो सब कुछ अच्छा होता है। तो इसमें जो मैंने आपको बताया उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी बता दिया कि कैसे कैसे होता है, ठीक है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बताया कि क्या क्या उनके अंदर होती है, क्या क्या उनके अंदर मानसिक शक्तियां बढ़ती हैं, क्या वो सोचते हैं, कैसा करते हैं, बिहेव करते हैं, और एजुकेशन को भी बताया और उनका सोशल इन्वायरमेंट भी बताया कि वो अपने समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट होते हैं। ओके, यहाँ तक सब आप लोग को बात क्लियर हो रही है? ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट हो कुछ भी हो तो अभी आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग को आज का ये क्लास पसंद आया हो, आप लोग को मेरी बातें समझ में आई हो। जो लोग मुझसे जुड़े हैं अगर मेरी क्लास आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और कोई बात कुछ भी हो तो आप प्लीज बताइएगा। ओके, और आपको कोई सब्जेक्ट से समझो, किसी भी सब्जेक्ट से समझो, आपको कोई नोट्स चाहिए कुछ भी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिलअप फ्रॉम ऐप को डाउनलोड करके भी वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और कोई तो आप लोगों को कोई ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है जो समझ में ना आया हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है।
चलो, जो लोग बाद में जुड़े उनको मैं बता दूं कि जो हमारी पीजीटी टीजीटी की कोर्सेज हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको फुल कोर्स मिल रहा है, 8 PM जो हमारा मिल रहा है करंट जीके, 9 AM जो मिल रहा है हमारा SST मिल रहा है, और 10 AM जो हमारा मिल रहा है मैथ मिल रहा है। यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी की जा रही है, और जो हमारा क्लास है वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप लोग सब लोग ज्वाइन करिए। और इसके पीछे सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन हो वो बहुत अच्छे से हो सके। आप लोग अपने नोट्स भी बनाइए, और जो भी आपको नई चीजें मिल रही है उन्हें भी नोट करते जाइए, और जो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट में ले सकते हैं, आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सीखने को ही मिलेगा, ज्यादा जानने को मिलेगा। तो अपने स्टडी के साथ इसको भी फॉलो करते रहेंगे तो जो आपकी तैयारियां हैं वो और अच्छे से हो सकेंगी। ठीक है, हमारी सीटेट की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे सारी तैयारियां जो चल रही हैं, आप इसके लिए मैं, ये टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। फिर तब तक के लिए हैव अ गुड डे। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं आपके अपनी अगली क्लास में।